झूठ फरेब की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। संविधान खतरे में है, दुहाई देने वाले लोग आज सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं कर रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी के नेता की जबान से ये नहीं निकलता है कि उस पे अमली जामा पहनाने के लिए हिम्मत नहीं है बोलने की। एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हम सभी एनडीए के साथी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और चुनाव 100 सीट पर जीतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है। जो भी उम्मीदवार आएगा उसको पूरी ताकत के साथ हम लोग जिताने का काम करेंगे। बहुत अच्छा रहेगा। झूठ फरेब की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कांग्रेस कार्यालय पर लोग चुनाव के बाद घेर लिए, खटाखट वाला झटाझट निकले और खटाखट पहुंच गए कार्यालय और रोते भी लगते लौट के घर चले गए। संविधान खतरे में है, दुहाई देने वाले लोग आज सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं कर रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी के नेता की जबान से ये नहीं निकलता है कि सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसको लागू क्यों नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उस पे अमली जामा पहनाने के लिए हिम्मत नहीं है बोलने की। एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हम सभी एनडीए के साथी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और चुनाव 100 सीट पर जीतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है। जो भी उम्मीदवार आएगा उसको पूरी ताकत के साथ हम लोग जिताने का काम करेंगे। बहुत अच्छा रहेगा। झूठ फरेब की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कांग्रेस कार्यालय पर लोग चुनाव के बाद घेर लिए, खटाखट वाला झटाझट निकले और खटाखट पहुंच गए कार्यालय और रोते भी लगते लौट के घर चले गए। संविधान खतरे में है, दुहाई देने वाले लोग आज सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं कर रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी के नेता की जबान से ये नहीं निकलता है कि सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसको लागू क्यों नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उस पे अमली जामा पहनाने के लिए हिम्मत नहीं है बोलने की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।